यहाँ पर आप बसों को चेक कर रहे हैं, किन बातों को लेके क्या देख रहे हैं? आज हमारे कुछ मीडिया के जरिए ये खबर मिली थी कि गाड़ियाँ बाईपास से संचालित हो रही हैं। इस खबर को क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय श्री बीपी अग्रवाल जी ने तुरंत संज्ञान में लिया और उन्होंने अपना चेकिंग स्क्वाड को यहाँ पर तैनात किया। क्योंकि हम लोग समय समय पर इन चीज़ों को देखते रहते हैं, चेकिंग करते रहते हैं। यहाँ चेकिंग स्पॉट पर जो हमारे कर्मचारी लगा हुआ है उनके कार्य प्रणाली को देखा गया। कुछ बसें जो बाईपास से किन्हीं कारणों बस तेज़ी से या ओवरटेक करके निकल गई थी उनको जो है चालान वगैरह कार्रवाई की गई है और उनको सख्त हिदायत दी गई है कि अगर भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई होगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी हम लोग जब से आए हुए हैं बाईपास चेकिंग पर तब से कम आप ये मान के चलिए कि 20-25 बसों को हम लोगों ने चेक किया है, जिसमें 5-6 गाड़ियों के हम लोगों ने चालान कर दिए हैं और उनके बेबिल पर ये नोट लगा दिया है। संबंधित डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधक इस बात को संज्ञान में लेंगे, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा, ऐसा देखा गया है यहाँ पर अक्सर कर सवारियों को बाईपास से पहले ही बस वाले उतार देते हैं और उनको पैदल जाना पड़ता है, इसमें आपको क्या कहेंगे? ये जो बाईपास पर उतार देने की जो पद्धति है ये बहुत गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। और हम अपने चेकिंग स्क्वाड के हमारे जो साथी अभी आपके सामने खड़े हुए हैं, साथियों के साथ में हम लोग आकस्मिक चेकिंग करते हैं, चालक परिचालकों को सख्त हिदायत देते हैं, उनको डांट फटकार भी लगाते हैं और उनके खिलाफ चालान संबंधी कार्रवाई भी करते हैं और ये नहीं होना चाहिए। हमारे क्षेत्र के इटावा क्षेत्र के जो सभी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय हैं वो हमेशा काउंसलिंग करते हैं अपने चालक परिचालकों के लिए कि वो किसी भी हालत में बाईपास से संचालन न करें और न सवारियों को उठाएं, क्योंकि ये पद्धति गलत है। हमारे जो आम जनता है, जो हमारे माताएं बहनें हैं, उनको भी जो ये हक है, अधिकार है कि वो बाईपास संचालन न करके अपने गंतव्य तक पहुँचे। पास MST गाड़ी में एक आपका पास, इसका बच्चे का टिकट बना है सर।